आखिर क्यों हैशटैग जस्टिस फॉर चुटकी ट्विटर पर ट्रेंड हुआ था? क्या करज द क्वालिटी डॉग की स्टोरी रियल है? और आखिर क्यों सिंचेन को कई सारे देशों में बैन किया जा चुका है? जानेंगे ऐसे ही आपके फेवरेट कार्टून्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहें। नंबर 10 छोटा भीम। जून 2020 में छोटा भीम तब हेडलाइंस में आने लगा जब हैशटैग जस्टिस फॉर चुटकी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था। हुआ कुछ यूं था कि किसी ने रूमर फैला दिया था कि छोटा भीम रानी इंदुमती से शादी करने वाला है। शो के व्यूअर्स को ये जानकर दुख हुआ था कि चुटकी ने भीम के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन भीम ने चुटकी को छोड़कर रानी इंदुमती से शादी कर ली। इसलिए चुटकी के सपोर्ट में लोगों ने हैशटैग जस्टिस फॉर चुटकी ट्रेंड करा दिया था, लेकिन शो के मेकर्स ने फेसबुक पर पोस्ट करके इन सब रूमर्स को खारिज किया था। नंबर 9 मोटू पतलू। सौरभ चक्रवर्ती जो कि एक फेमस डब आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कई मूवीज और कार्टून शोज में अपनी आवाज दी है, लेकिन मोटू पतलू शो में इन्होंने एक दो करेक्टर्स नहीं बल्कि 6 करेक्टर्स को अपनी आवाज दी है। इन्होंने मोटू पतलू, घसीटाराम, चिंगम, जॉन और बॉक्सर के करेक्टर्स को अपनी आवाज दी है। नंबर 8 बेंटेन। जिन लोगों ने बेंटेन बचपन में ध्यान से देखा है उन्हें ये फैक्ट पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बेंटेन को जो ओमनीट्रिक्स मिली थी ओरिजिनली ग्रैंडपा के लिए डिजाइन की गई थी। बेन ने इसे पहले देखा और वॉच ने खुद ही बेन को चूज किया था। इसके पीछे का रीजन ये था कि बेन और ग्रैंडपा दोनों का डीएनए सेम है। नंबर 7 करेज द क्वाडी डॉग। ये एनिमेटेड कॉमेडी हॉरर टेलीविजन सीरीज थी जिसे बचपन में देखकर कई बच्चे जरूर डरे होंगे। पर क्या आपको पता है कि जिस टाउन पर ये स्टोरी बेस्ड है नोवेयर, वो जगह न्यू मेक्सिको में एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, और रियल लाइफ में एक कपल यहाँ अपने डॉग के साथ रहता था जिन्होंने यहाँ पर कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील की थी जैसे कि स्किन वॉकर। लेकिन ये बताने के बाद कि उन्होंने क्या देखा, ये कपल अचानक से कहीं डिसअपीयर हो गया था, बस उनका डॉग वहां अकेला बचा हुआ था। नंबर 6 निंजा टोरी। निंजा टोरी कार्टून का अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि निंजा टोरी का हेयर स्टाइल कैसा है या शो में इसके हेयर क्यों नहीं दिखाए गए। इसके पीछे तो वैसे कई थ्योरीज हैं, लेकिन इसका सही जवाब मैं आपको बताऊंगा। जब यही सेम क्वेश्चन निंजा टोरी के क्रिएटर फुजिको फुजियो से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अगर हम हटोरी के हुड को हटाएं तो उसके बाल हमारा जैसे ही हैं। दोनों निंजा के बीच डिफरेंस दिखाने के लिए फुजिको ने हटोरी के हेयर को छुपा दिया था। नंबर 5 ओगी एंड द कॉकरोचेस। इस कार्टून का एक एपिसोड हिप हिप हिप्नोसिस को मोरक्को में बैन किया गया था। इस एपिसोड में मार्की यानी हिंदी डब में लंबू हिप्नोसिस की एक बुक पाने के बाद हिप्नोसिस सीखता है और ओगी पर इसे आजमाता है और ये काम कर जाता है, लेकिन इस एपिसोड को मोरक्को में बैन कर दिया गया था। इस एपिसोड को नहीं बल्कि ओगी एंड द कॉकरोचेस के और भी कई एपिसोड हैं जिन्हें बैन किया जा चुका है, जैसे कि सीजन 1 का एपिसोड 55 इसे मुस्लिम कंट्रीज में बैन किया गया था, और सीजन 7 का एपिसोड 64 इसे बस लिथुआनिया में भी बैन किया गया था। नंबर 4 मिस्टर बीन। मिस्टर बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन सीरीज है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि इस सीरीज के टोटल 15 एपिसोड ही प्रोड्यूस किए गए थे। इसका फर्स्ट एपिसोड 1 जनवरी 1990 और फाइनल एपिसोड 15 दिसंबर 1995 को ऑन एयर हुआ था। इसके बाद 2002 में इसकी एनिमेटेड सीरीज आई जो कि 2019 तक चली। इसमें टोटल 5 सीरीज और 130 एपिसोड इंक्लूड है। नंबर 3 सिंचेन। ये कार्टून जितना पॉपुलर रहा है उतना कंट्रोवर्शियल भी, और ये कई बार बैन किया जा चुका है। इसे इंडिया में भी बैन किया गया था। इसे 2008 में इंडिया में वल्गर कंटेंट, इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और न्यूडिटी को प्रमोट करने के कारण बैन किया गया था, लेकिन इसे नेक्स्ट ईयर 2009 में सारे कंट्रोवर्शियल सीन्स को सेंसर करने के बाद फिर से रिस्टार्ट किया गया था। नंबर 2 डोरेमोन। डोरेमोन तो हम सभी ने बचपन में देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि डोरेमोन के लिए 1293 लकी नंबर या मैजिक नंबर क्यों माना जाता है? क्योंकि डोरेमोन की हाइट 129.3 सेंटीमीटर है और वेट 129.3 किलो, और ये 129.3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ सकता है और 129.3 सेंटीमीटर तक की जंप लगा सकता है, तो हुआ ना मैजिक नंबर। नंबर 1 टॉम एंड जेरी। इस कार्टून को किसने नहीं देखा होगा। ये कार्टून की हिस्ट्री में अब तक सबसे ज्यादा चलने वाला और फेमस कार्टून शो है, लेकिन आपने शायद एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में ये पढ़ा होगा कि इसके फाइनल एपिसोड में टॉम एंड जेरी आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? ये बात तो सच है कि जिस पिक्चर को दिखाया गया है ये पिक्चर टॉम एंड जेरी के फाइनल एपिसोड की ही है, जिसका नाम था ब्लू कैट ब्लूज। इसके फाइनल एपिसोड में दिखाया जाता है कि
टॉम एंड जेरी डिप्रेशन में आके आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर चले जाते हैं, लेकिन ये एपिसोड वहीं एंड हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता और ना ही किसी को मालूम है। बाद में टॉम एंड जेरी की कई सीरीज और मूवीज आई जो खासा पॉपुलर हुई, तो ये बात फॉर श्योर तो नहीं बताई जा सकती कि एंड में क्या हुआ होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि इनमें से आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है और इनमें से आपको कितने फैक्ट्स पता थे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।